हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2023-24 के सेशन के अंतर्गत जो आपका सेंट्रल रेलवे 2409 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से हजारों छात्र देश के कोने कोने से सेंट्रल रेलवे का अप्रेंटिसशिप का डिफरेंट क्लस्टर डिफरेंट डिविजन के तरफ से इसका आवेदन किए थे। और फाइनली सबसे बड़ा अपडेट अभी यह आ रहा कि सेंट्रल रेलवे 2023-24 सेशन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट आना शुरू हो गया। जी हाँ, जिस तरह आप आर से चेकित हो गए ना, जिस तरह आप सुनकर हैरान हो गए, उस तरह जब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आया तो मैं भी सुनकर हैरान था कि आखिर इतना जल्दी कैसे इसका अपडेट आ सकता है। अभी तो आपका सितंबर तक इसका लास्ट डेट था, ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट्स में फॉर्म अप्लाई किए थे, तो इतना जल्दी डिपार्टमेंट कैसे इसका अपडेट दे दिया। पार्टिकुलर पर जब मैंने इसका पूरा जांच किया तो देखा सच में आपका 2023-24 सेशन का ही का जो नोटिफिकेशन आया था उसी का मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग अपडेट दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो का आगे पूरा डिटेल से देखेंगे। और कटअप तो अभी देखिए, अभी कटअप के लिए क्षमा चाहूंगा क्योंकि कटअप अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाया। जैसे ही अवेलेबल हो पाएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे उसके लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा अपडेट अभी आ रहा है कि सेंट्रल रेलवे 2023-24 सेशन 2409 पोस्ट का अप्रेंटिसशिप का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट जो है आना शुरू हो गया है। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल अपडेट पे और वहां पे सारा कुछ देखेंगे कि कौन सा डिवीजन से आया, कौन सा क्लस्टर से आया, डीवी के लिए कब जाना है, क्या क्या अदर आपको वहां पे जानकारी दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर से जरूर कनेक्ट हो जाएगा ताकि हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो देखिए, ये फाइनली हमारा मेल है जो सेंट्रल रेलवे की तरफ से 2023-24 सेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट को जारी होना शुरू हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर स्टैंड बाय कैंडिडेट। ठीक है, तो आगे अगर आप देखिएगा तो आज ही के डेट में आपका ये देखिए, आज ही के डेट में 17 अक्टूबर को ही ये जो मेल है कैंडिडेट को जारी होना शुरू हो गया है। और अगर आपने भी फॉर्म अप्लाई किया है तो ये सारा मेल जितने हैं उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे डीवी के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है। तो अगर आपका मेल मान लीजिए फॉर्म जो है फॉरगेट हो गया, मेल आईडी याद नहीं है या फिर गलत मेल आपने डाल दिया होगा, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे जो जानकारी आया है सेंट्रल रेलवे का उसे कवर करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। सेंट्रल रेलवे डीआरएम ऑफिस पर्सनल ब्रांच ऑफिस ऑफ भुसावल डेटेड आपका ये है। और यहां पे देखिए 2023-24 सेशन के रिगार्डिंग जो आपका सबसे बड़ा प्रमाण है आपको यहां पे मिलेगा कि देखिए एलएन नंबर आपका है बीएसएल भुसावल CNW एक्ट अप्रेंटिस 2023-24। यहाँ पे देखिए 2023-24 सेशन के रिगार्डिंग अपडेट आ गया। अगर आप 22-23 का रहता तो यहाँ पे लिखा रहता आपका 22 और 23, पर ये आपका ये 2023-24 सेशन के रिगार्डिंग अपडेट दिया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट में देखिए एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 ऑफ BSL मतलब भुसावल क्लस्टर फॉर द ईयर ऑफ 23 और 24। यहां पे भी देखिए ईयर आपका क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको आगे क्या बताया गया, देखिए रेफरेंस वगैरह ये सारा जगह का रेफरेंस आपको यहां पे दिया गया, तो वो सब नहीं देखना है। आगे देखिए आपको क्या बोला गया कि इन कनेक्शन विद द एबव इट इज इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन CNW डिपो भुसावल, हेंस कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर डिटेल गिवन बिलो। तो कहां का आपका आया है, तो ये आपका सेंट्रल रेलवे 2023-24 सेशन का भुसावल क्लस्टर के तरफ से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट जो है आ गया है। वेन्यू देख लीजिए, तो डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस भुसावल डिवीजन सेंट्रल रेलवे नियर भुसावल रेलवे स्टेशन भुसावल महाराष्ट्र। डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देख लीजिए, तो 25/10/2023 सुबह 10 बजे तक आपको अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंच जाना है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाने के बारे में बोला गया, तो वो सब यहां पे ध्यान से देख लीजिए कि यू आर एडवाइज टू रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर दी शेड्यूल अलोंग विद फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट व्हिच वाज अपलोडेड बाय यू ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द सेम। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आप लेके जाएगा ओरिजिनल, उसका एक सेट आपको फोटोकॉपी कराकर लेकर जाना आवश्यक है। डॉक्यूमेंट देख लीजिए, तो कॉपी ऑफ डाउनलोड एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रिंट आउट होगा उसका आपको डाउनलोड करके लेके जाना है। दूसरा नंबर में प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसमें आप SSC का मतलब 10th का मार्कशीट लेके जा सकते हैं जिसमें आपका क्लियर डेट ऑफ बर्थ जो है मेंशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका SSC मार्कशीट 10th का मार्कशीट लेके जाना है, ITI का प्रोविजनल मार्कशीट लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद
नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, एनटीसी का जो सर्टिफिकेट है आईटीआई का, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है एसटीएससी कैंडिडेट के लिए इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में, ठीक है। और अगर आप ओबीसी से अप्लाई किए हैं तो आपको यहाँ पे नॉन क्लीमिलियर सर्टिफिकेट भी लेके जाना है जो आपका 1/4/2021 के बाद आपका इश्यू होना चाहिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे। उसके बाद देखिए डिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है अगर आप एप्लीकेबल होंगे तो। नेक्स्ट में आपको बोला गया है कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी अगर लेके जाना है अगर आप एक्स सर्विसमैन और सर्वाइव अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे बोला गया है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, पासबुक और चेकबुक। बैंक जो अकाउंट है वो आपका मस्ट भी है कि नेशनलाइज बैंक होना चाहिए और आपका आधार और बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, मतलब आपका आधार कार्ड जो है वो आपके बैंक अकाउंट से आपका लिंक होना चाहिए तो ही आपका एक्सेप्टेबल होगा। अगर लिंक नहीं होगा तो अपने ब्रांच में जाकर अपना आधार कार्ड आप बैंक अकाउंट से लिंक करवा लीजिएगा। उसके बाद 5 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ भी आपसे मांगा गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो ये सारा डॉक्यूमेंट है जो आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेकर जाने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पे बोला गया है कि नोट फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट, इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट एस पर 201 ऑफ द नोटिफिकेशन इन टर्म ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर ये, ठीक है, टू बीइंग मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर 7 अटैच विथ द नोटिफिकेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, द मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी साइन बाय द गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन। और उसके बाद सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल। तो सिंपल कहने का मतलब है कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ले जाना एकदम मस्ट कंपल्सरी है, बिना मेडिकल का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपको सरकारी हॉस्पिटल से बनवाना है, कहीं से भी आप बनवा सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी लोकेशन से आप बनवा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि वो जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपका सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी डॉक्टर से ही बना होना चाहिए, गैजेटेड डॉक्टर से, एमबीबीएस लेवल का अगर डॉक्टर से बनाइएगा तो वहां पे रेलवे में कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे आपको बोला गया है कि नो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड एंड कैंडिडेट लायबल टू बी कैंसल। तो जिस डेट में आपको बोला गया है उसी डेट में जाना है और मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना नहीं जाना है, नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। उसके बाद देखिए, यू आर अनेबल टू अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द एवम maintained date due to genuine reason, you can attend document verification on block date. Block date यहाँ पे क्या है वो आपको यहाँ पे दिया नहीं गया है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम जानकारी इकट्ठा करके, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, और नहीं तो टेलीग्राम व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर देंगे, वहां से भी आप जो अपडेट है वो ले सकते हो, ठीक है। ऑन द अबव मेंटेन्ड टाइम वेन्यू यू शुड बीइंग प्रूफ ऑफ, ठीक है, absentation of scheduled date। तो आपको अगर मान लीजिए ब्लॉक डेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है तो आप अपना पूरा आपको प्रूफ लेके जाना पड़ेगा कि हाँ जो डेट में आपका डीवी होना था उस डेट में आप क्यों नहीं गए। इफ यू फेल टू अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आइदर ऑन द शेड्यूल डेटेड और ब्लॉक डेटेड, योर कैंडिडेट शैल बी कैंसल्ड एंड नो फर्दर करस्पॉन्डिंग विल बी मेड टू बी रिकॉर्ड इन फ्यूचर फॉर DRM ऑफिस पर्सनल ब्रांच भूसावल डिवीजन। यह आपका सपोर्ट नंबर भी दिया गया है जिसमें आप सुबह 10 से लेकर शाम के बीच आपका कॉल करके अपना जो भी इंक्वायरी है उसे कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि अभी तक ये मुझे भी नहीं समझ में आया कि 23-24 सेशन के रिगार्डिंग डिपार्टमेंट जो है इतना जल्दी कैसे आपका मेरिट के रिगार्डिंग वर्क कर लिया और कैसे कैंडिडेट को ई कॉल लेटर यहाँ पे जारी होना शुरू हो गया, ठीक है। 23-24 सेशन के रिगार्डिंग सोच लीजिए, 2409 पोस्ट इसमें रिलीज किया गया था, ठीक है ना। बाकी इसके ऊपर जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को देखने को मिलते रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।